बनाना है। आज 85 साल का हूँ और आपके सामने बोल के जा रहा हूँ, इसी शरीर में 300 साल रहूंगा, 215 साल और रहूंगा। इसको अगर 21वीं सदी के लोग ड्रामा ढकोचला मान रहे हैं तो मान लीजिएगा, फिर काशी, इसी काशी करवट के पास फिर हम मिलेंगे। गुरु जी, ये आपके मन में कैसे आया कि मतलब मुझे को अहोर में आना है और ये चीज मेरे मन कैसे बना इसका? ये कुछ नहीं, काशी, काशी हर रोज नई कहानी, इसी खोज में निकले घाट की ओर और घंटों बीत गए, समझ नहीं आया कि वीडियो क्या बनाए, क्या आपको दिखाऊं। हालांकि बहुत कुछ है, दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, कहीं भी देखो, काशी में हर जगह कुछ ना कुछ नया ही है। तो यही सब सोच के सोच ही रहते मणिकर्णिका घाट पर खड़े होकर, एक बाबा जी आए भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करने लगे और उनकी पूजा देख के अंदर से उनसे इच्छा हुई, भाई इनसे बात की जाए। लेकिन वही हर लोगों की तरह मन में आया कहीं बाबा जी गुस्सा ना हो जाए, और पता नहीं बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी। तभी बाबा जी के साथ के लोगों ने बताया कि बाबा जी केदारनाथ से काशी आए हैं और भ्रमण कर रहे हैं। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद मेरी और इच्छा हुई उनसे बात की जाए। बाबा जी की पूजा पूरी हुई, उन्होंने पूजा जैसे ही किया हमने उनके से तुरंत बात की, आखिरकार बाबा जी से बात हुई। बाबा जी से बात बहुत लंबी चली, तभी मुझे लगा यार इतनी लंबी बात हो गई। फिर मेरे मन में आया कि भाई यही तो है काशी, हर रोज़ नई कहानी, हर रोज़ नई खोज। और तभी मैंने बाबा जी से बोला, बाबा जी मुझे अघोर के बारे में जानना है। हालांकि बाबा जी को बहुत लेट हो गया था, लेकिन फिर भी बाबा जी ने अपना समय निकाला और वीडियो की अनुमति भी दी और अघोर के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताया। आइए इस वीडियो के माध्यम से आप तक भी बात पहुँचाते हैं। तो जैसा कि मैंने एक एपिसोड बनाया था काशी हर दिन एक नई कहानी, तो आज ही हम लोग हैं रत्नेश्वर महादेव के पास और मणिकर्णिका घाट के पास हमें एक बाबा जी मिले हैं जो कि भ्रमण कर रहे हैं। समझ लीजिए पूरा हिंदुस्तान और भ्रमण करते रहते, भ्रमण करते करते काशी पहुँचे हैं। उनसे थोड़ा मिलेंगे, उनसे थोड़ा वार्तालाप करेंगे, उनसे थोड़ा जानेंगे, उनका अघोर जो अघोरी है उनके बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में जाना जाएगा। जैसा कि बाबा जी से भी जाना जाएगा, लेकिन बाबा जी का मैं नाम बता दूं, बाबा जी का नाम परमहंस शिव त्रिजटा अघोरी, त्रिजटा अघोरी के नाम से ये बाबा काफ़ी मशहूर हैं और इनका कोई एक ठिकाना नहीं है, ये भ्रमण करते रहते हैं। क्योंकि इनसे बहुत बातें हुई, वो बहुत कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैंने सिंपल सा बस एक अघोरी के बारे में जानने की कोशिश की, वो आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बाबा जी हैं, बाबा जी स्वयं केदारनाथ से हैं काशी। बाबा जी कितने लंबी यात्रा रही आपकी? मैं भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं यानी 12 ज्योतिर्लिंग और नेपाल को लेके 13 जी, अपने 60 साल के इस अघोर पंथ में 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ कंप्लीट कर चुका हूँ जी। 85 साल की उम्र है, आपको जानना अघोर का मतलब जी, मुझे अघोर का अघोर का मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना जी। ऋषि रमन्ना मैं के खोज में निकले थे 8 साल की उम्र में जी, मैं को जब जान गए सब कुछ को जान गए। साधु अगर साधु तो कर रहा है तो आपके संग नाटक कर रहा है, क्योंकि वो अगर वो मैं को जान गया है तो संसारिक लोगों के संग संसारिक व्यवस्था के अंदर ही वो जिएगा। क्यों भगवान शंकर नहीं जिए हैं क्या अपने पुत्रों के संग? कभी कभी लोग बोलते हैं बाबा जी आप लोग इस तरह से रहते हैं, पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनते? हम तो बोलते हैं पहनना चाहिए बाबाओं को, असुविधा क्या है? और मैं ऐसा ऐसा अघोड़ी आपके पास से निकल जाएंगे आप पकड़ नहीं पाएंगे कि वो अघोड़ी है, पैंट शर्ट में निकल जाएंगे, सूट में निकल जाएंगे। मैं कई डॉक्टरों को जानता हूँ, कई साइंटिस्टों को जानता हूँ, बीबीसी लंदन में डेविड मेरा शिष्य है जी, ही इज ऑल्सो अघोड़ी। आप जानना क्या चाहते हैं ये बताओ? अघोरी की जो ये तपस्या होती है ये कैसे होती है? मतलब अघोर में तीन तरह की दीक्षा होती है, कर्णपात दीक्षा है, स्पर्श दीक्षा है, रतंभ दीक्षा है जी। रतंभ दीक्षा जो है अंतिम दीक्षा है, ये गुरु और शिष्य परंपरा में ही है। इस दीक्षा के विषय में हम आपसे विस्तार में चर्चा नहीं कर सकते जी। ऐसे कुछ कुछ जो सुनी सुनाई बातें हैं उस पे वैसे लोग कहते हैं अघोर अघोरी शमशान में ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अघोर का शमशान में अघोरी का कार्य है, अपना कार्य किया और चल दिया, जो बैठ गया वो अघोड़ी नहीं है। मैंने देखा है शमशान जगाना है, दारू का बोतल लेकर आया, शमशान को भी पिलाया, खुद भी पिया। अरे साले तुम पी के वहां उलट जाओगे तो जगाओगे किसको? शमशान को जगाओगे या शमशान तुमको जगाएगा? सुबह में शमशान ही जगा देता है, खत्म हो गई कहानी। ये जगह नशा के लिए नहीं है, ये आत्म नशा के लिए है। इन लोगों ने एक मिथ बना दिया है। ये प्रचार जिस समय बौद्ध धर्म आया था उस समय कृष्ण को लवर बॉय बना दिया और शिव को नशेड़ी,
वहाँ से निकालने का हमने बहुत चेष्टा किया है, चेष्टा कर रहे हैं अभी भी। समाज व्यवस्था के अंदर ये बता रहे हैं अघोड़ी का मतलब नहीं है कि नशा में रहो, आंख लाल लाल हो, बाबा जी जटा टाने तो गंगा जल निकल जाए। दिस इज द टोटली केमिकल रिएक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है, उस तरह के महात्मा भी नहीं है। सिद्ध आश्रम के विषय में अगर आप रिसर्च करेंगे, गूगल आपके हाथ में, सिद्ध आश्रम के विषय में रिसर्च कीजिए। आज भी सिद्ध आश्रम हिमालय में स्थित है, जिस आश्रम में आज भी बड़े बड़े महात्मा संत बैठे हुए हैं जी। और मैं जिनका शिष्य हूँ, परमहंस त्रिजटा अघोड़ी, मैं डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी जो अब नहीं है, वो मेरे गुरु भाई रहे हैं जी। जैसे क्या है ना, बहुत लोग अभी यंगस्टर भटके हुए हैं, वो कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन नहीं, नशा मुक्त समाज जिस दिन कर लीजिएगा, उस दिन ईश्वर को जान लीजिएगा। कुछ तो ऐसा ही भी मतलब ये है कि अघोर से अघोरी बाबा से डर के रहना चाहिए, इनके पास नहीं जाना चाहिए, कुछ कर देंगे। हर व्यक्ति के अंदर में है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है डर। भूत है, भूत का मतलब बीत गया, जब वो बीत गया तो उससे फिर किस चीज का डरना। आत्माओं की दुनिया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नासा भी बोल रहा है, आत्माओं की दुनिया है, किंतु भूतों की दुनिया मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, हम नामकरण कर दिए हैं, शास्त्रों के अनुसार नामकरण जरूर किए हुए, बट भूतों की दुनिया नहीं है, आत्माओं की दुनिया है। जो सत्य है वो सत्य है। तो जैसे आप तपस्या की है अघोरी बनने के लिए, कितने साल की तपस्या? 12 साल मैं मानसरोवर में रहा हूँ, कैलाश मानसरोवर में, गुरु जी के सानिध्य में। मैं LLB करके आया था ऑक्सफोर्ड से जी। 3 साल कलकत्ता हाईकोर्ट प्रैक्टिस भी किया, करने के बावजूद गुरु जी उठा के ले गए, 12 साल बाद लौटे थे, भिक्षा मांगे थे। किंतु शुरू का 3 साल मेरा और गुरु जी के अंदर बहुत कुछ चला, किंतु जब उन 3 साल के उपरांत जब मैंने जान लिया कि सत्य क्या है, मेरा मार्ग क्या है, हमें पुनः फिर इसी अघोड़ में ही आना है, तो आना है। आज 85 साल का हूं और आपके सामने बोल के जा रहा हूं, इसी शरीर में 300 साल रहूंगा, 215 साल और रहूंगा। इसको अगर 21वीं सदी के लोग ड्रामा ढकोचला मान रहे हैं, तो मान लीजिएगा फिर काशी, इसी काशी करवट के पास फिर हम मिलेंगे। गुरु जी, ये आपके मन में कैसे आया कि मतलब मुझे को अघोर में आना है, और ये चीज मतलब मन कैसे बना इसका? ये कुछ नहीं, आप मानव तन धारण किए हैं और हर चीज निश्चित है। मेरे मन में मैं चाह जाऊं कि मैं अघोड़ी बन जाऊं, आप चाह जाओ अघोड़ी बन जाए, ये संभव नहीं है, सब लिखा हुआ है। गुरु शिष्य परंपरा क्या है, पात्र जो होता है, लोग साफ सुथ करके खाना खाते है ना, गुरु अपने पात्रों को खोज लेता है, उसको साफ सुथरा करके अपना भोजन की तैयारी कर लेता है। मैं कौन हूँ अघोड़ बनने वाला, मैं तो तुच्छ अघोड़ी हूँ, छोटा अघोड़ी हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। तो जैसे गुरु जी अभी आप हैं, तपस्या करने के बाद इतने जगह दर्शन की, पूजा पाठ किए, कैलाश में रहे, तो ऐसा कुछ ठोस मान सकते हैं कि जैसे आप अभी हैं, आपके साथ कोई शक्ति चल रही है? शक्ति क्या है, बाम हस्ते नारी, बाम हस्ते नारी, नारी शक्ति तो सब समय देवी मेरे संग ही है, माँ मेरे संग ही है, तो फिर किस शक्ति को खोजू? तो आप लोग तपस्या किसकी करते, शिव भगवान की? अपने आप को खोजता हूँ, अपने आप को। पहाड़ पर कोई साधु भगवान को खोजने नहीं जाता है जी। गुरुत्वाकर्षण बल पड़े है ना, न्यूटन का लॉ, ऊपर कुछ फेंकोगे तो नीचे आएगा। पहाड़ पर इसलिए साधु जाता है कि आपके अंदर का जो चुंबकीय भाव मर गया है, उस चुंबकीय भाव को पुनः रिचार्ज करने जाता है कि मैं को जान लूं, असली अघोर यही है, असली अघोर यही है। तो लेकिन जो आजकल लोग ऐसे अघोरपन का मतलब वैसे वेश धारण किए हुए हैं, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। चलिए ठीक है बाबा जी, प्रणाम। मुंडे मुंडे मति भिन्ना, पूरा ही कर देते हैं बाबा जी का ये श्लोक। मुंडे मुंडे मति भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पया, जातो जातो नवचारा, नववाणी मुखे मुखे। अर्थात जितने मनुष्य हैं उतने विचार हैं। एक ही गांव के अंदर अलग अलग कुएं का पानी का स्वाद अलग अलग होता है, ठीक है। एक ही संसार के लिए अलग अलग जातियों में अलग अलग रिवाज होता है, तथा एक ही घटना का बयान हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अलग अलग करता है। तो इसमें कोई आश्चर्य करने की या बुरा मानने की बात नहीं है, ये मैंने वीडियो के माध्यम से थोड़ा अब तक घोर के बारे में बताने की कोशिश की है, और कुछ अगर गलत उसमें लगा हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, ठीक है। बाकी एपिसोड 3 में मुलाकात आपसे होगी, कुछ नई कहानी के साथ, कुछ नए खोज के साथ। तो बाबा जी से और बात किया था, बाबा जी को लेट हो रहा था, वो भ्रमण पे जैसे कि हैं,
और बहुत बात हो नहीं पाया बाबा जी से। और जैसा कि हम लोगों ने बात किया, थोड़ा जाना गया, जैसा मैंने बताया ना, हर दिन एक नई कहानी। आज यही नई कहानी हम लोग को मिली कि बाबा जी मिले और बाबा जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, स्टार्टिंग में बहुत बातें हुई बाबा जी से, बट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन बाद में जब मैंने बाबा से कहा बाबा जी रिकॉर्ड कर लेते हैं थोड़ा, इस चीज़ को अपने दर्शकों तक भी पहुँचाएँ। तो आज की कहानी यही थी, बाबा जी से मुलाकात हुई, थोड़ा अघोर के बारे में जाना गया, अघोर के जीवन के बारे में जाना गया। तो बाबा जी बड़े जेन्युइन थे यार, ये थोड़े पढ़े लिखे पर थोड़े नहीं, काफ़ी जेन्युइन थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे और डाउन टू अर्थ एकदम थे। ये एकदम नहीं कह रहे हैं कि भैया कि आइए एकदम वो बन जाइए कि आइए अब साधुत्व अपना लीजिए, जीवन घर परिवार छोड़ दीजिए, नहीं। बहुत कम समय में बाबा जी ने समझा दिया है कि अघोर अघोर यानी मैं। हालांकि अघोर को समझने के लिए, अघोरी जीवन को समझने के लिए, जीवन शैली अपनाने के लिए सालों लग जाते हैं, उनकी खुद की तपस्या कई सालों की थी, बट उन्होंने सिंपल सा बहुत कम मिनट में संदेश दे दिया है कि मैं को समझ जाओ और अघोर समझ जाओगे। जहाँ मैं समझे अघोर को समझ जाओगे। और ज़रूरी नहीं कि अघोर समझने के लिए मैं को समझिए, खुद कुछ मतलब जानने के लिए भी मैं को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसा है भाई, मेरे GoPro की बैटरी हो रही है एकदम ख़त्म, 2% बैटरी है, इसको यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय सियाराम, हर हर महादेव। और प्लीज़ चैनल पर अगर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके भूल मत जाइए, आप लोग देखा करिए वीडियो, ठीक है।